सुपर 30 अवार्ड के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद ऋतिक रोशन के करियर ने एक नया मोड़ ले लिया है। कहा जा रहा है कि दोनों फिल्मों के सुपरहिट बनने के बाद ऋतिक अपने फीस बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे नामी प्रोड्यूसर्स जैसे करण जौहर, संजय लीला भंसाली और आनंद दिल राय उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं। लेकिन ऋतिक के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि 2019 की सफलता के बाद फीस बढ़ाना तो बनता है। जहां अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना भी लगातार हिट फिल्में देने के बाद अपने फीस बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को ऋतिक के फी हाइक माननी पड़ेगी अगर वो उन्हें अपने फिल्मों में देखना चाहते हैं। गुड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च पर करीना कपूर खान और अक्षय कुमार ने कहा था कि प्रोड्यूसर करण जौहर अपने स्टार्स के बीच में बराबरी रखते हैं और वो इक्वल पे में मानते हैं। इस बात का भी जिक्र हुआ था कि करण की अगली प्रोडक्शन में एक फीमेल स्टार को प्रोड्यूसर बनेंगी। दरअसल बात यहां पर हो रही थी दीपिका पादुकोण की। मामी 2019 के दौरान दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्मों में एक लव स्टोरी का जिक्र किया था, लेकिन तब तक डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुई थी। अब खबर ये है कि जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की नई लव स्टोरी के को प्रोड्यूसर बनेंगी दीपिका। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया है। दीपिका पति देव रणवीर सिंह के फिल्म 83 में भी को प्रोड्यूसर बनी है, जिसमें वो कपिल देव की पत्नी रोमी भल्ला के रोल में भी नजर आएंगी। वहीं अपने आने वाली फिल्म छपाक में दीपिका पहली बार प्रोड्यूसर बनी है। कबीर सिंह के सुपरहिट सक्सेस के बाद शाहिद कपूर अपने नए फिल्म जर्सी की तैयारी कर रहे हैं। अब एक नए डेवलपमेंट के मुताबिक मृणाल ठाकुर को साइन किया गया है एज फिल्म्स फीमेल लीड। सुपर 30 और बाटला हाउस में अपने कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंसेस से मृणाल बॉलीवुड की मोस्ट सॉट आफ्टर फ्रेश फेसेस में से एक है। एक इंटरव्यू में मृणाल ने कहा कि तेलुगु ओरिजिनल जो सुपरस्टार नानी के साथ बनाया गया था, उस फिल्म को उन्होंने दो बार देखी है। फिल्म के इमोशंस और स्टोरी ने मृणाल को लुभा लिया और वो खुश है कि वो रीमेक का हिस्सा बनी है। जर्सी के प्रिपरेशंस में शाहिद अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर चुके हैं और फिल्म अगस्त 28, 2020 को रिलीज होगी। सांड की आंख के धमाकेदार सक्सेस के बाद तापसी पन्नू वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के रोल्स के लिए प्रेफर्ड चॉइसेस में से एक है। जहां वो आरएसवीपी मूवीज की नई प्रोडक्शन रश्मि रॉकेट में एक रनर के रोल में नजर आएंगी, वहीं खबरें आ रही हैं कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन मिताली राज के बायोपिक के लिए तापसी को अप्रोच किया गया है। तापसी के एनर्जेटिक और एथलेटिक पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर उन्हें इस रोल में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल इस फिल्म के डायरेक्टर को फाइनलाइज करना बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत के करियर फिलहाल एक अजीब क्राइसिस में है। जहां उन्होंने केदारनाथ और छिछोरे जैसी हिट फिल्में डिलीवर की हैं, वहीं सोनचर्या और नेटफ्लिक्स पर ड्राइव के पिटने से उनकी क्रेडिबिलिटी काफी डगमगा गई है। हाल ही में उनके नए फिल्म दिल बेचारा के ऑफिशियल थिएट्रिकल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हुई थी, पर खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज डेट को इसलिए पोस्टपोन किया गया था ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की निगोसिएशंस लॉक हो जाए। दिल बेचारा हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का ऑफिशियल रीमेक है, जिसमें डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा। इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू करेंगी संजना सांघी।